हम गुस्सा करते हैं, विचलित होते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि गुस्से को ऊपर काबू कैसे पाना, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना। क्या होता है कि विचलित होना या अपसेट होना ये होते ही रहता है, दिन भर होते रहता है। कुछ ना कुछ कारण से हम तो अपसेट है, विचलित है, या फिर अपसेट होने के कगार पर बैठे हुए हैं कि कुछ हो जाएगा ना, हम अपसेट हो जाएंगे। हमारे मन के खिलाफ हो गया तो हम अपसेट हो जाते हैं, हमारी जो अपेक्षा है उसके खिलाफ हो गया तो अपसेट हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस है, मुझे लगता है कि उसने ऐसा करना चाहिए, नहीं हुआ तो मैं अपसेट होता हूँ, या मेरा कोई उद्देश्य है तो वहाँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अपसेट हो जाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, और गुस्सा तड़ 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 आता है, जिससे फिर लोगों को मैं दुखी करता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो उल्टा कुछ तभी बोल देता है, फिर वो भी गुस्सा करता है, फिर मैं भी गुस्सा करता हूँ, संबंध खराब हो जाते हैं। वो जाने के बाद में मेरा दिमाग खराब रहता है, घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, हो सकता है दिन भर खराब रहेगा दिमाग, और उसमें निकलता कुछ नहीं, अनप्रोडक्टिव है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। मेन तीन रीजन्स है अपसेट होने के। एक रीज़न जो है वो है कि भाई अपेक्षा भंग होना। जहाँ भी मेरी अपेक्षा है, जहाँ भी मैं अपेक्षा करते रहता हूँ लोगों से, सिचुएशन से, वातावरण से, जो भी है, और वो पूरी नहीं हुई, मेरे मन जैसा नहीं हुआ, तो फिर मैं अपसेट हो जाता हूँ या गुस्सा करता हूँ। दूसरा जो कारण है वो है इंटेंशन, जो है मेरा उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होना। मैंने कुछ ठहरा हुआ है कि मुझे ये करना है, मेरा ये उद्देश्य है, और जब मैं उद्देश्य पूरे करने के लिए काम करता हूँ फेल हो जाता हूँ, उद्देश्य पूर्ति होती नहीं है, और मुझे गुस्सा आता है या मैं अपसेट हो जाता हूँ। हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, हो सकता है इंटरव्यू में फेल हो गया, हो सकता है कि फाइनेंस में लॉस हो गया, मुझे ट्रेन नहीं मिली, मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, जो भी कुछ है, तो वो इंटेंशन जो है, मेरा उद्देश्य है, वो सफल नहीं होता करके मैं अपसेट हो जाता हूँ। तीसरा जो कारण है वो कारण मेनली है कि अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब मुझे किसी को कुछ बोलना है और मैं बोलता नहीं हूँ, मैं मेरे मन में दबा के रखता हूँ। मैं बोलता क्यों नहीं हूँ, क्या कारण है? एक तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बोल दूंगा, सीधा सीधी बात करूंगा तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। दूसरा, मैं कभी कुछ बोल दिया तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए नहीं बोलता हूँ, नाराज हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलता हूँ, या वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलता हूँ, या मुझे डर है कि वो उल्टा पुल्टा कुछ बोल देगा, या फिर वो फिर गुस्सा निकालेगा या बदला निकालेगा, इसलिए मुझे जो बोलना है वो बोलता नहीं हूँ, दबा के रख देता हूँ। तो फिर उससे क्या होता है, जब हम हमारा कम्युनिकेशन जो है, हमारा संवाद जो है, वो पूरा स्ट्रेट बात नहीं करते हैं, सीधी बात नहीं करते हैं, दबा दबा के रखते हैं, तो अंदर प्रेशर बढ़ते जाता है। वो प्रेशर बढ़ते जाता है, फिर एक कुछ प्रेशर एक ऐसा लेवल आ गया तो फिर बाद में फिर मैं वो गुस्सा और कहीं निकाल देता हूँ। फिर हम लगता है छोटी सी चीज़ों को इतना क्यों गुस्सा किया। एक्चुअली वो गुस्सा छोटी चीज़ के ऊपर नहीं रहता है, वो पहले से दबा 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 के आया हुआ है, सप्रेशन एकदम फटाक से, कुछ तो भी छोटी चीज़ होती है और मैं गुस्सा करता हूँ। हो सकता है कि मेरे बॉस ने मुझे कुछ तो भी बोल दिया, या मेरे कंपेनियन ने, या मेरे स्टाफ ने, या मेरे बिजनेस में कुछ हो गया, वहाँ मैं गुस्सा किया, मतलब गुस्सा आया, मैंने गुस्सा किया नहीं बॉस के सामने, चुप रहा, घर में आता हूँ, घर में आने के बाद में वाइफ कुछ तो भी कर देती है और उसके ऊपर मैं ताड़ ताड़ गुस्सा करना चालू कर देता हूँ। तो इसमें करना क्या है फिर? गुस्सा नहीं आना चाहिए, संबंध खराब होते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गुस्से वाले जो लोग रहते हैं उनके आसपास कोई जाता नहीं जल्दी, डरते हैं उनको लोग, उनके संबंध खराब हो जाते हैं लोगों के साथ में, फ्रीडम नहीं रहता है उनके आसपास के लोगों को। तो फिर करना क्या है? लोग बोलते नहीं मुझे गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता नहीं, कोई आपके सामने कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी के सामने आपको गुस्सा भी आ गया तभी आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप चुपचाप रहेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं वो बड़ा आदमी है, मैं गुस्सा नहीं कर सकता, उसके सामने कैसे क्या गुस्सा करूँगा, और आप गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा वहीं आता है जहाँ मेरा गुस्सा पचाया जाएगा, जहाँ मेरा गुस्सा एक्सेप्ट किया जाएगा, जहाँ मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, जहाँ मुझे कोई उल्टा बोलने वाला नहीं, वहीं मैं गुस्सा करता हूँ। करना क्या है? करना यह है कि यह आइडेंटिफाई करो कि मुझे गुस्सा क्यों आया। मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, ठीक है, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अपेक्षा भंग हो गया इसलिए गुस्सा आ गया, ठीक है, अपेक्षा मैंने क्यों रखी थी, मैंने अपेक्षा रखना ही क्यों है, क्योंकि अपेक्षा हरदम पूरी होंगी ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
अपेक्षा रखना ही नहीं है, तो अपेक्षा विरहित जीवन कैसा रहेगा नंबर एक। और यदि अपेक्षा है तो बोल दो कि मेरी ऐसी अपेक्षा है, पहले ही आपने बोल दिया कि मेरी ऐसी अपेक्षा है, तो फिर अपेक्षा पूर्ति करेगा नहीं करेगा उसी समय आपको मालूम होगा। आप राह नहीं देखते बैठेंगे कि अपेक्षा होंगी नहीं होंगी, होंगी नहीं होंगी, पहले बोलो ये मुझे आपसे अपेक्षा है पूरी करेंगे नहीं करेंगे भैया, पहले बोल दो। एक तो वो हो सकता है, और तीसरा जो है कि अपने बात कर देना, कम्युनिकेशन करना, संवाद कर देना पूरा जो भी है वो, तो संवाद कर लेना है, मन में रखना नहीं है, संवाद करना है, क्लियर कट बोलना है, स्ट्रेट बोलना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले को दुखी करना है, दुखी नहीं करना है, किसका अपमान नहीं करना है। उसको आप बोल सकते कि प्लीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ सॉरी ये शब्द का रिक्वेस्ट, कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या आप ये मान लेंगे, ये शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सामने वाले को बुरा लगेगा नहीं, आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपका स्ट्रेट बात करना होगा और फिर ये अपसेट मतलब विचलित कंडीशन है वो आपको आएगी नहीं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।